Hi friends, today we are going to start our next topic of this chapter, that is stars and solar system by logic to apply. Let's begin. So today our topic is the stars. Let's read. Stars are very hot and huge heavenly objects made up of very hot gases. Means जो स्टार्स होते हैं वो बहुत गर्म और बहुत बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स की तरह होते हैं मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस, जो कि बहुत ही हॉट गैसेस के बने होते हैं. दे अपियर लाइक डॉट्स ओनली बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. ये हमें एक डॉट्स की तरह दिखते हैं, मतलब बिल्कुल एक फुल स्टॉप की तरह. इट मीन्स इतने से दिखते हैं हमें बस, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टार से शेप में दिखते हैं. क्यों ऐसा दिखता है हमें? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं. They are very, very far away from us. बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें ये डॉट के जैसे दिखते हैं. Their light takes millions of years to reach the earth. जो उनकी लाइट है वो उनको अर्थ तक पहुँचने में बहुत मिलियन ऑफ मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, अर्थ तक उनकी लाइट पहुँचने में. मैं वही वही लाइन्स अंडरलाइन कर रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, और आप उन लाइंस पर जरूर ध्यान दीजिएगा. उन लाइंस में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा. डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट कॉल्ड द लाइट ईयर. कि जो स्टार्स का जो डिस्टेंस होता है उनको एक यूनिट टर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, और उस यूनिट टर्म का नेम है लाइट ईयर. इसका नेम है लाइट ईयर. ओके, लाइट ईयर. यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि स्टार्स के डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी यूनिट, कौन सी टर्म यूज की जाती है. लाइट ईयर. वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस बाय लाइट इन वन ईयर. मीन्स वन लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसे हम वन लाइट ईयर कहते हैं. कि एक साल में एक तारे की लाइट, वन स्टार की लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम वन लाइट ईयर कहेंगे. अगर टू लाइट ईयर की बात आती है तो मतलब कि जो किसी भी स्टार की जो लाइट है वो टू ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसे कहेंगे लाइट ईयर. नेक्स्ट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज द सन इटसेल्फ. कि वो स्टार जो अर्थ के नियरेस्ट है वो सन खुद है. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी. दिस बोथ टू लाइन्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, वाई? बिकॉज दिस इज फ्रॉम दिस टू लाइन्स अ वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है. ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट स्टार तो सन खुद है, और सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अल्फा सेंचुरी. एंड यू हैव टू लर्न दिस नेम्स. This is at distance of 4.3 light years from the Earth. ये 4.3 light years के डिस्टेंस पर है अर्थ से. यानी कि जो light year मतलब इतने एक साल में इनकी इतने डिस्टेंस, मतलब इतनी light years का डिस्टेंस है अर्थ और इस स्टार के बीच में. This means that we get the light from the star only 4. इसका मतलब ये है कि मान लो ये देखिए, ये अल्फा सेंचुरी जो स्टार है ये उसका डिस्टेंस बता रहा है अर्थ से. ओके, तो उसका डिस्टेंस इसने क्या बताया? 4.3 लाइट ईयर्स. तो उसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट वी गेट द लाइट फ्रॉम द स्टार. इसका मतलब कि हम अल्फा सेंचुरी जो स्टार है और जो उसकी लाइट है वो हमारे अर्थ पर, हमें वो कितने सालों बाद मिलती है? 4.3 ईयर्स आफ्टर इट.
gets emitted from it. मान लीजिए कि ये एक डॉट जैसा अल्फा सेंचुरी हमें दिख रहा है, ये डॉट जैसा मान लीजिए कि एक अल्फा सेंचुरी, और ये मान लीजिए ईयर है 2020, ये ईयर 2020 मान लो यही साल जो चल रहा वो है, और 2020 में इसने मान लीजिए लाइट इसने अर्थ पर डाली, ठीक है, ही एमिटेड हिज लाइट, उसने एमिटेड की अपनी लाइट, ठीक है। अब जो लाइट वो एमिट कर रहा है ये 2020 ईयर में, तो वो अर्थ पर कितने साल बाद आएगी? अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि वो हमारे पास 4.3 ईयर्स आफ्टर इट आएगी, तो 4 ईयर्स लगाइए, तो ईयर कौन सा होगा 2024 ईयर में 3 मंथ्स आगे लगा लीजिए, यानी कि मार्च में मान लीजिए उसने 2020 में अगर लाइट एमिट की है, तो वो लाइट हमारे अर्थ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे कितने ईयर लगेंगे, 4.3 ईयर्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके बेटा, हम अननेसेसरी चीजें सब कर देते हैं। तो आगे चलते हैं। In comparison, it takes about 8 minutes only for the light of the sun to reach the earth. अब देखिए अल्फा सेंचुरी की जो डिस्टेंस पहुंचने की जो है टाइम लिमिट वो है 4.3 ईयर बाद हमें वो लाइट अर्थ पर आए, लेकिन उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो सन की रेज होंगी या जो सन से जो लाइट आती है वो उसे सिर्फ 8 मिनट्स लगते हैं अर्थ पर पहुंचने के, ठीक है। तो फिर पास तो सन ही हुआ अल्फा सेंचुरी के, तो अल्फा सेंचुरी सन के कंपैरिजन में दूर है। द सन्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज देयरफॉर, और जो सन का डिस्टेंस अर्थ से, मतलब सन अर्थ से कितनी दूर है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस ये है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना है, या तो आप ये लर्न कीजिए, ठीक है, ये लर्न कीजिए, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, या तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 11, या तो आप उस मीटर, ये मीटर में है डिस्टेंस और ये किलोमीटर में है डिस्टेंस, ओके। किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए 14.4 इंटू 10 रेज टू पावर 7 किलोमीटर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि वट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। दिस इज 14.4 करोड़ किलोमीटर, नियरली अगर सीधा सीधा कहा जाए तो 14.4 करोड़ किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। एंड वी मस्ट रिमेम्बर दैट देयर आर काउंटलेस अदर स्टार्स whose light reaches us in a much longer time. और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें countless stars के अलावा और भी ऑब्जेक्ट हैं जो light देते हैं, ठीक है। वैसे तो stars की अपनी खुद की light नहीं होती, वो sun से light देते हैं और वही reflect कर देते हैं, जैसे कि moon कर देता है। तो फिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्टार्स के साथ साथ और भी काउंटलेस अदर सब्जेक्ट हैं जिनकी लाइट उस टाइम नहीं पहुंच पाती अर्थ पे, उनको अर्थ तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा सालों भी लग जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू इवन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। थाउजेंड ही नहीं, मिलियन और बिलियन ईयर्स भी लग जाते हैं वो लाइट को पहुँचने में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से एक बार आपको, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा रिकॉल कर लेते हैं। स्टार्स बहुत
होट और ह्यूग हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, होट गैसेस के बने होते हैं, वो एक डॉट की तरह हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं और उनके लाइट अर्थ तक पहुंचने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और जो डिस्टेंस होता है स्टार्स का, उसको हम एक यूनिट एक टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं लाइट ईयर। ओके, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस बाय लाइट इन 1 ईयर, और 1 लाइट ईयर उसके इक्वल होता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 1 ईयर में। ओके, जो सन के जो सॉरी जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है सन, और उसके बाद अल्फा सेंचुरी। ठीक है, और अल्फा सेंचुरी का क्या डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी, अगर वो लाइट एमिट करता है तो उसे 4.3 लाइट ईयर्स लग जाते हैं अर्थ तक पहुंचने में। इट मींस कि जब वो एक दिन अगर मान लो आज उसने लीक की है लाइट एमिट, तो वो लाइट अर्थ पर पहुंचेगी 4.3 सालों बाद। ठीक है, और कंपैरिजन में देखा जाए तो सन की रेज या हम लाइट कह सकते हैं वो ओनली 8 मिनट में पहुंच जाती है अर्थ पर। तो सन का डिस्टेंस अर्थ पर ये है, मीटर में आपका इतना, किलोमीटर में इतना है, और लगभग ओवरव्यू लिया जाए तो 14.4 करोड़ किलोमीटर दूर है सन हम अर्थ से। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे अदर काउंटलेस या हम स्टार्स को भी गिने तो उनकी लाइट अर्थ में अर्थ पर पहुंचने का बहुत लॉन्ग टाइम होता है, 1000 ईयर्स भी लग जाते हैं और मिलियन और बिलियन ईयर्स भी लग जाते हैं। जो जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इन जो मैंने ये अंडरलाइन किया इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। लेट्स रीड, डू यू नो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज नियरली इक्वल टू, ये जो लाइट की स्पीड है स्पेस में, हम स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्री स्पेस। ठीक है, तो स्पेस में जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁸ m/s की, मतलब 1 सेकेंड में इतने मीटर लाइट की स्पीड है वो भी स्पेस में। 1 लाइट ईयर देयरफॉर इक्वल्स नियरली, और 1 लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है ये ब्रैकेट वाला, ये मीटर्स में है, और अगर किलोमीटर की बात करो तो ये है। ओके, दिस इक्वल्स, और लगभग अगर ओवरव्यू लिया जाए तो ये किसके इक्वल है, 9,46,000 करोड़ के इक्वल है, करोड़ किलोमीटर के इक्वल, अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस इन मीट, मतलब कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अब आप फिर से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, ताकि स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये जो अंडरलाइन हुई है वही उन्हीं पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, रिकॉल हम दोबारा ले लेते हैं, स्टार्स बहुत बड़े बड़े हैवी हैवी और हॉट गैसेस के बने हुए हैं जो हमें डॉट जैसे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, और एक यूनिट है एक टर्म हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस स्टार का अर्थ से डिस्टेंस मापने के लिए जो यूज की जाती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर का मतलब है कि जो लाइट होती है किस स्टार की या किसी भी चीज की यूनिवर्स में, उसका मतलब होता है कि वो एक साल में वो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन है, और उसके बाद अल्फा सेंचुरी। और अल्फा सेंचुरी अगर अगर जो जिस भी दिन अगर लाइट एमिट करता है तो वो लाइट अर्थ पर पहुंचने में 4.3 ईयर्स बाद आती है, इतनी उसकी डिस्टेंस लाइट ईयर है। और कंपैरिजन में देखा जाए तो अर्थ सॉरी सन की जो लाइट और रेज है वो सिर्फ 8 मिनट्स में ही आ जाती हैं। और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि सन का डिस्टेंस अर्थ से कितना दूर है, और वो है मीटर में देखा जाए तो 1.4 × 10⁻¹ m, किलोमीटर में देखा जाए तो 14.4 × 10⁻¹ किलोमीटर। अगर ओवरव्यू लगभग बताया जाए तो 14.4 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि
स्टार्स के साथ साथ जो अदर काउंटलेस चीजें हैं यूनिवर्स में, उनकी लाइट अर्थ तक पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, जो कि 1000 ईयर्स भी हो सकते हैं और मिलियन बिलियन ईयर्स भी हो सकते हैं। और ड्यूइनो में हमने पढ़ा कि जो लाइट की स्पीड स्पेस में हम बात करते हैं, तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है, और 1 लाइट ईयर में नियरली इतनी होती है। ये ब्रैकेट में जो है वो मीटर में है, और किलोमीटर में 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर, और अगर इसका भी ओवरवे ले जाए तो 9,46,000 करोड़ किलोमीटर, और ये एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो का सारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी तरह आपको समझ आया। थैंक यू, थैंक यू। Have a nice day.